रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्रीज से सप्लाई होने वाले सिल्को मैग्नीज की जगह रास्ते में पत्थर मिलाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही गिरोह के सात आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रांसपोर्ट के दौरान सिल्को मैग्नीज को रास्ते में बनाए यार्डों में ले जाकर उसमें पत्थर मिला देते थे और तब सप्लाई करते थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जिस गिरोह के सदस्यों को हिरासत में लिया है उसने कई स्टील कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाया है। गिरफ्तार आरोपी हीरा फेरोलाइज लिमिटेड और आलोक फेरोलाइज कंपनी से निकले माल की सप्लाई करते थे। आरोपी ज्यादातर माल नागपुर के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने गैंग के हेमराज यादव और रवि वर्मा समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दो मुख्य ट्रांसपोर्टर अब भी फरार है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरोह पकड़ाया है जो कि खनिज संपदा में मिलावट करके बेचता था। क्या पूरा मामला था? देखिए, बुढ़ला थाने में इसमें प्रार्थी विवेक अग्रवाल जो जय जगदीश ट्रांसपोर्ट का है उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि ये दो कंपनियों का इनके पास ट्रांसपोर्टिंग का सिल्को मैग्नीज भेजने का कॉन्ट्रैक्ट था। ये सिल्को मैग्नीज नागपुर भेजते थे तो इनको कुछ दिन से ये पता चल रहा था कि जो माल भेजते थे उसमें माल में बोरियों से कुछ माल निकाल करके उसमें मिट्टी पत्थर भेज खराब माल डाल के उसमें मिलावट करके उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही थी। उसमें 409 का अपराध बुढ़ला थाने में पंजीकृत किया गया और उसकी कंपनी सुनाई। इसमें जब हमारी टीम विवेचना में थी तो इसमें दो ट्रक जिनके ऊपर संदेह था वो ट्रक के ड्राइवरों से पूछताछ की। और ट्रक के ड्राइवरों ने फिर इसमें बताया कि वो गोंदिया के पास एक यार्ड है कोई संतोष करके, उसकी यार्ड में ये माल को उतार देते थे अच्छा माल को। उसके बाद संतोष इसमें दुर्ग के कबाड़ी को बेचता था माल को, दुर्ग कबाड़ी टाटीबंद के ट्रेडर्स को, और उसके बाद फिर राजा तालाब के एक आरोपी है एक और यहीं का है उन दोनों को बेचते थे। वो दोनों फिर इसमें नकली कागजात तैयार करके उसको असली माल बना करके फिर यहाँ की कंपनियों को माल बेचते थे। इस तरीके से एक संगठित गिरोह यहाँ पर चल रहा था। तो इसमें अभी कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दो तीन आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। एफआईआर कर लिया गया है, इनको सभी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण का अभी विवेचना की जा रही है।